Hey, this is Ranadeep Sarkar and you are watching my channel Rani's Entertainment in associate with Pushkar Creation. तुम्हारे सामने आऊंगी तो तुम मुझे देख के तुम कहोगे कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। मैं खुद नहीं, मुझे कुछ पता नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं छुप छुप के लिपस्टिक जैसे था, उस टाइम क्या था ना, लिपस्टिक नहीं मैं लगाती, लिप जेल लगाती जिसमें पिंक शेड था। अभी मैं एक हिजड़े के रोल कर रही हूँ, यहाँ पे एक हिजब मेरा जो कैरेक्टर है एक हिजड़े का कैरेक्टर है, वो भी तो समाज के पार्ट है और ट्रांसजेंडर लोगों का एक हिस्सा है, तो वो का भी वही एक काम है हिजबी। सुबह को मैं ट्रेन पकड़ के आती थी, आके ऑडिशन दी, ये कुछ स्टूडियो पे गए, एक मेरा फोटो डान हाथ से फोटो लिया, देख के मुझे तुम्हारे फोटो से तुम्हारे सूरत नहीं मिल रहा है, क्या कैरेक्टर दूं तुमको, बोलते बाएं हाथ से लेके फेंक देते थे। मुझे मम्मी मम्मी पापा को बोली कि तुम लोग एक साल मुझे पैसा दो वहां जाके रहने खाने के लिए, मैं कुछ मेस में रहूंगा या रहूंगी जो भी हो, उस टाइम में तो रहूंगा ही बोलता था। तो और वहां पे एक ग्रुप थिएटर ज्वाइन कर ली थी मैंने, तो तब मेरा जर्नी शुरू हुआ। मैं बहुत उस टाइम में कैरिकेचर का रोल मिलता था मुझे, जैसे कि तुम लड़का जैसे ही रहो, लिपस्टिक लगा लो, काजल लगा लो, एक चोटी बना लो और एक कुछ कुर्ती पहन के हीरोइन के पास बैठ के उसे गाल दबा दो, हीरो का थोड़ा कमर खींच लो, यही कैरेक्टर कर लो। कैरिकेचर मतलब इसको लेके लोग हंसे, इसको मुझे क्या क्या रोल मिल रहा है, तब भी मैं खुश थी क्योंकि वो मेरे लिए काम आपने किया, क्योंकि मुझे सर्वाइव करना है। वो मेरे काम, देखो तुम एक्टिंग का काम तो मुझे दे रहे हो, वो क्या है मुझे मेरा देखना काम नहीं है। जो लोग एक्टर बनने के लिए सोच रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा पहले ही मत सोचो कि आपको इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिया जाएगा या तो लीड कैरेक्टर दिया जाएगा। जब जो भी कैरेक्टर आपके पास आए, वो कैरेक्टर को आप ग्रैब करो, उसको परफॉर्म अच्छे से निभाओ, अच्छे से निभाओ, ऑनेस्टी के साथ, पैशन के साथ आप निभाओ, आप एक गुड एक्टर बनने की कोशिश करो। मैं पहले भी एपिसोड में मैं बेसिक नॉलेज अबाउट एक्टिंग प्रोफेशन के बारे में जब बात की है आप लोगों से, वहां पर भी मैंने यही बात बोले थे, सुजी भी आज यही बात बोले, राइट? सही बात एकदम। तो आपका मैसेज वही है जो स्ट्रगलर एक्टर है, कि जो भी सामने है पहले वो ले, एकदम किसी को सोचने मत कि बिकॉज आप दीपिका पादुकोण तो हो नहीं, कि आपके पास चॉइस होंगे कि हम ये करूं, कि आपके पास जो है वो आज से 10 साल बाद मेरे पास वो चॉइस हो, डेफिनेटली अभी तो नहीं, अभी भी नहीं मेरे पास। मैं अभी भी मेरे लोग को बोलती हूँ, देखो प्लीज 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 मुझे काम दो, अभी भी मुझे सीरियल में इतना सारे लोग देख रहे हैं, तब भी मैं हर रोज रात को मैसेज करती हूँ, टेक्स्ट करती हूँ हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, सरवाइव करना है आपके पास कोई गॉडफादर तो है, मुझे और भी काम दो, मुझे और भी काम चाहिए, क्योंकि मुझे और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर चाहिए। तो लगे रहो, जो भी करो लगे रहो। अच्छा, आप एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, सो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं ये ट्रांसजेंडर जो ये जो कम्युनिटी है इसके कितने शाखा प्रशाखा है, ये ट्रांसजेंडर लोग कैसे मतलब समाज में क्या एक ही काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, किस किस चीज में वो काम करते हैं, मतलब किस किस सब्जेक्ट में वो क्या क्या काम करते हैं, और आपका आप ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं तो आप किस चीज को लेकर ट्रांसजेंडर में वो आंदोलन करते हैं, आपका आंदोलन का मुद्दा क्या है? बहुत सही बात पूछा मुझे। देखो ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला वर्ड है, इससे भी बड़ा वर्ड अगर तुम पूछोगे, ब्रॉडली सोचोगे, तो इसका वर्ड है थर्ड जेंडर। इस थर्ड जेंडर में आते हैं ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमन, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, मैं मेल टू फीमेल। तो इस कि देखो ट्रांसजेंडर लोगों का मेरा एक ही मुद्दा, मेरा मुद्दा तो बहुत सारा है कि लड़ाई का मुद्दा बहुत सारा है कि ट्रांसजेंडर लोगों को हर जगह पे काम मिले। अगर ट्रांसजेंडर लोगों को एक्टिंग आता है तो एक्टिंग में काम दो, उसका ऑडिशन ले लो, यही आपका आंदोलन का मुद्दा है, ऑडिशन ले लो। ट्रांसजेंडर लोगों को डॉक्टर, देखो वो फिर पर डॉक्टर या इंजीनियर जो भी है वो पढ़ाई के लिए, बट पैसा तो घर से देगा, पढ़ाई का जो एटमॉस्फेयर कॉलेज में जो एटमॉस्फेयर वो भी मिलना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करेगा तभी तो डॉक्टर बनेगा, राइट?
पढ़ाई करेगा तभी तो पढ़ाई का जगह भी होना चाहिए, हक मिले जिसको, जिस एरिया में टैलेंट है, जिसको डांसर बनने को उसको डांसर बनने दीजिए, जिसको मेकअप आर्टिस्ट बनने उसको मेकअप आर्टिस्ट। आपके लास्ट आंसर को लेके मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग उसने उसको देखे हैं एंड बहुत अवार्ड भी मिला है, एक बंगाली फिल्म रिलीज हुआ था जिसका नाम थे नगर कीर्तन, जिसका डायरेक्टर थे कौशिक गांगुली। तो सो दैट सुजी, कौशिक गांगुली ने नगर कीर्तन में एक एलजीबीटी कम्युनिटी का कैरेक्टर, जो लीड कैरेक्टर थे, उसमें लिया था रिद्धि सेन को। हम सब जानते हैं रिद्धि सेन बहुत अच्छा एक एक्टर है, मगर रिद्धि सेन एक स्ट्रेट गाय है बीन ए डायरेक्टर। मुझको ये लगता है एज ए डायरेक्टर, आपका जो आंदोलन का मुद्दा है, कौशिक गांगुली अगर रिद्धि सेन को नहीं लेके, अगर एलजीबीटी कम्युनिटी के अंदर जो जो लड़का गे है, जो इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, एक्टर बनना चाहते हैं, उनको लेके वर्कशॉप करके फिर उनके साथ वो फिल्म बनाते, तो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए भी अच्छा होता, उनके कम्युनिटी से एक बंदे को काम मिल रहा है, एंड ये बहुत ही मतलब आसान हो जाता है एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए। आपके जो आंदोलन का मुद्दा है कि और भी ज्यादा जो जिस एरिया में काम करना चाहते हैं उनको हक मिले, तो ये ज्यादा आसान नहीं हो, तो मुझको एज ए डायरेक्टर लगता है कि कौशिक गांगुली ने बहुत ज्यादा सेव किया, बिकॉज रिद्धि सेन एक अच्छा एक्टर है, वो तो अच्छा परफॉर्म करेगा, उसका एक फेस वैल्यू है, मगर जो सत्यजीत रे, मीनाल सेन, ऋतिक घटक, जो मतलब इतने हम लोग सब जानते हैं कितने अच्छे अच्छे फिल्म उन लोगों ने किए हैं, उन्हें नॉन एक्टर को अपनी फिल्म में कास्ट करके, वर्कशॉप करके उन लोगों को एक्टर बनाया है, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण है सौमित्र चटर्जी। तो हमको ये लगता है कि आपका जो मुद्दा है, कि मैं भी वो मानता हूँ कि नॉन एक्टर को लेके, कोई गे एक्टर को लेके वो कैरेक्टर अगर किया जाता तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत मतलब वो ज्यादा जस्टिफाई होता कैरेक्टर। तो आप इस पर में क्या बोलना चाहेंगे? देखो, गे एक्टर नहीं, ट्रांस एक्टर, तुम बोलो, तुम जो बोलना चाह रहे हो ट्रांस एक्टर। हाँ, एलजीबीटी कम्युनिटी में ही है। हाँ, एलजीबीटी कम्युनिटी में ही है। देखो, मैं तुमको फिर से एक बात बोल रही हूँ, देखो तुम ये इसका जवाब नहीं, मैंने जो आपको क्वेश्चन किया, इसको आप सपोर्ट करते हैं कि इसको आप डिसएग्री करते हैं, बिकॉज़ आपका आंदोलन का मुद्दा ही वही था। अगर आप सोच रहे हैं, डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, नहीं नहीं, मैं इसके बारे में एक ही बात बता रहा हूँ, टेक्निकली शायद ये ठीक है तुम्हारे ख्याल से, आप एग्री करते हैं? हाँ, करती हूँ, होना चाहिए, होना चाहिए, पर किस कौन करेगा इसका, इसका हक मेरा नहीं है, क्योंकि ये पूरा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का, ये सेल्फ डिपेंड एरिया है, सेल्फ डिपेंड इंडस्ट्री है, यहाँ पे ये बिजनेस है, बिजनेस के लिए जो जिसको चाहिए वही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कास्ट कर सकते हैं, मगर सोच अगर धीरे धीरे बदलेगा तभी, ये सोच कौन बदलेगा, ये तो पॉलिसी मेकिंग, किसी ना किसी को तो बदलना पड़ेगा। अभी जो इंडस्ट्री में है, करण जौहर, कौशिक गांगुली, ये अगर ये लोग स्टार्ट, मगर ये जो है मतलब सब बहुत अच्छा डायरेक्टर, मेरा कोई मतलब, मैं उनकी मतलब नाखून का भी शायद मेरा कोई टैलेंट नहीं है, मगर मैं ये बोलना चाहूंगा एज ए डायरेक्टर, ऋतुपर्ण घोष, जो लेट ऋतुपर्ण घोष, उन्होंने तो कभी किसी लेट ऋतुपर्ण घोष, वो उतना बड़ा डायरेक्टर वो थे, हम लोग सब जानते हो कितना टैलेंटेड है, पूरा वर्ल्ड में उसका नाम है, मगर एज ए डायरेक्टर मुझे ये लगता है ऋतुपर्ण घोष ने भी बहुत ज्यादा सेफ खेला है, उसने भी जितने फिल्म अपने करियर में के सब बड़े सुपरस्टार को लेके किए हैं, मगर ऐसा कोई भी फिल्म हम देखने उठा के आप देख लीजिए जहाँ पे एकदम मतलब नॉन एक्टर को लेके उसने स्टार बनाया। ऐसे भी ट्रांस कैरेक्टर भी वो खुद निभाई, उन्होंने खुद निभाई वो ट्रांस कैरेक्टर, कोई साइड एक्टर के लिए भी कोई ट्रांस एक्टर को नहीं चुना, नहीं उसने चुना, उनका तो अंदर नहीं कर रहे हैं, ये सच है, बोले उनको करना चाहिए था, बिकॉज वो करना चाहिए था, मगर मैं भी ये भी मैं बता रहा हूं, ऋतुपर्ण घोष ने वो नहीं किया, ये बिजनेस है, अभी मैं तुमको बता रहा हूं, अगर देखो सच नहीं, ऋतुपर्ण घोष बिजनेस, देखिए ऋतुपर्ण घोष, कौशिक गांगुली वो अभी जिस स्तर पे है, वो स्ट्रगलर डायरेक्टर नहीं है, उसको मतलब उसको पास वो जो वो जिस प्रोड्यूसर के पास भी जाएंगे वो प्रोड्यूसर उनके साथ काम करेगा, बिकॉज़ वो उस लेवल पे है, तो अगर उस लेवल पे रह के भी हम रिक्स नहीं लेंगे, रिक्स मतलब रिक्स के बारे में सोचेंगे, तो जो नया डायरेक्टर है, नए जो टैलेंट आ रहे हैं, तो वो तो रिक्स, वो तो सोच मतलब सोचने के भी डरेगा, बिकॉज वो अगर करेगा तभी ना हम दिख सकते हैं, हम नया डायरेक्टर है, हम अभी काम स्टार्ट किए हैं, तो हम तो उसको देख के ही बड़े होंगे ना, जो सीनियर लोग करेंगे उसके लिए छोटे देखेंगे, तो लाइक ऋतुपर्ण घोष, कौशिक गांगुली, उन कभी भी उसने सिर्फ इसको मतलब क्या बोले ये सब्जेक्ट को लेके फिल्म करके उसने सिर्फ उसको पहले बताइए, बिरयानी है,
हर रोज का दाल डेली का दाल दाल रोटी नहीं, मगर जो दिल से जो सोचना चाहिए हम कुछ करें इन लोगों के लिए। ऋतुपर्ण घोष ने भी नहीं, ये मेरे ओपिनियन है, मैं शायद रॉन्ग हो सकते हैं, एकदम सही बात। ना ऋतुपर्ण घोष ने किया ना कौशिक गांगुली ने किया, बिकॉज आप एक ट्रांसजेंडर वुमन है, आपसे ज्यादा अच्छा इस आंसर को कौन दे सकता है? वही मैं तुमको बता, कोई उन लोगों का भी कुछ उसको क्या बोलते हैं आपने जो बोला सोचना चाहिए, आसपास का जो ट्रांस कोई नहीं था, अब उस टाइम ज्यादा ट्रांस एक्टर एक्ट्रेस नहीं था, होगा शायद एक को शायद लिया था उसने आईटी प्रीमियर गोलपुते, या वो तो लेजेंड है, वो खुद को कभी चपल भादुरी उन्होंने कभी खुद को ट्रांस नहीं किया, तो उन्होंने तो बोलते हैं मेल एक्टर, मेल एक्टर वुमन कैरेक्टर निभाते हैं, तो उनको लेके स्टोरी बनाया जा, उन्होंने तो जात्रा में काम करते थे उन्होंने, तो जात्रा उनका जो कैरेक्टर था वो जात्रा आर्टिस्ट, वो बंगाली जात्रा आर्टिस्ट का कैरेक्टर है, तो वो पूरा अलग है। मतलब मेरा क्वेश्चन जो एक ही है, जो ट्रांसजेंडर कैरेक्टर जो है जहाँ पे दिखा रहे एक लड़का लड़का से लड़की बनना चाहते हैं, वो कैरेक्टर ट्रांस वही सेम सोल का कुछ एक्टर लेना चाहिए था। आपका जो ट्रांसजेंडर एज अ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट जिसको लेके आप लड़ रहे हैं, जब आंदोलन का जो आपका मुद्दा है वही बात हम बोल रहे हैं। ये लड़ाई मेरे सोसाइटी के साथ है, ये लड़ाई मेरा राष्ट्र के साथ है। ठीक है, आप जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं अभी, आप एक सक्सेसफुल एक्टर हैं, अगर आप एक सक्सेसफुल एक्टर हैं और आप उसके साथ आप एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है, तो आप ये बोल रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ मेरे जैसा और भी, मतलब जिसको जो करना चाहते हैं जिसमें टैलेंट है उनको काम मिलना चाहिए, तो आपको इसमें आवाज उठाना चाहिए कि एलजीबीटी कम्युनिटी से या ट्रांसजेंडर जो आपके जैसा है तो इन लोगों को फिल्में चांस, मतलब जो कर सकते हैं उसमें टैलेंट हो या डेफिनेटली हो तो जरूर मिलना चाहिए, एटलीस्ट ऑडिशन तो लिया, ऑडिशन में तो बुलाया नहीं जाता, ऑडिशन लेना चाहिए, बिकॉज एक स्ट्रेट लड़के को एक गे या ट्रांस सजा भी उन्होंने प्रेजेंट कर रहे हैं। देखो एक्टर ने वो भी हो सकता है, तो हमें एक औरत का कैरेक्टर दो, मुद्दा जो हमें भी एक औरत का कैरेक्टर दो, मुद्दा जो है आपका, मैं वही बोल रही हूँ, तो अगर एक लड़का को ट्रांस कैरेक्टर आता है तो वो भी करना चाहिए, क्योंकि ये एक्टिंग है, पर मुझे कोई और, मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे कोई ट्रांस को औरत का कैरेक्टर आना निभाना आता है या आती है तो उसको भी लेना चाहिए, तब हम लोगों को बोलते नहीं तुम जैसे कैरेक्टर आएगा तो तुमको बुलाएंगे, जब आता है तो तब कोई बाहर से लड़का या लड़की को लाते हो। 377 धारा जो सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया है सेम सेक्स लीगल है, मतलब वो कोई क्राइम नहीं है, तो आपको क्या लगता है ये जो मतलब लॉ जो पास हुआ है तो समाज का धारणा है क्या बदली है या अभी भी उससे मेंटेलिटी है, सिर्फ वो तो नाम के वास्ते सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दिया है? अभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो लोग वही बोलो ना, हमारे देश के लोग या बोलो जहाँ के लोग, हम लोग अभी भी बहुत पुराने सोच लेके चलते हैं, है ना, माइंडसेट जो है, माइंडसेट को निकल के बाहर आना थोड़ा टाइम लगेगा, पर थोड़ा थोड़ा हो रहा है अभी भी। लोग पहले गे लोग खुले बाजार में बोल नहीं पाते कि हम गे हैं, अभी बोल पाते हैं, बोलते हैं ट्रांस लोग, तो बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ता, रास्ते से जब भी चलते लोग देख के पता चलता ट्रांस लोग जा रहे हैं, ट्रांस लोग जा रहे हैं या किसी अलग अभी हम जो बोलने वाले हैं ये सुनने में बहुत शायद खराब लगेगा, ये कड़वा सच है, हमारे सोसाइटी में हमारे समाज में हम जिसको मर्द बोलते हैं आदमी बोलते हैं उन लोगों के लिए ट्रांसजेंडर वुमेन सिर्फ एक सेक्स टॉय है, उसको यूज करो फेंक दो। ट्रांसजेंडर वुमेन एलजीबीटी कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स है और एलजीबीटी कम्युनिटी से ताल्लुकात रखता है, समाज का ये धारणा है मर्द लोगों को आदमी लोगों को कोट अनकोट के ये लोग तो हर टाइम सेक्स चाहते हैं। अगर कोई ट्रांसजेंडर वुमेन किसी स्ट्रेट लड़के को सोशल नेटवर्किंग साइट में अगर फर्स्ट हाई लिख के भेजे तो उनको लगता है ये तो शायद मेरे से सेक्स चाहती है, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? ट्रांसजेंडर लोगों पर कोई इमोशन नहीं होता, ये भी सोच है, अलग
कोई सोचते ट्रांसजेंडर बहुत कुछ डरे, आपका पर्सन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है? आप तो बहुत सारे मिक्स है, सब है। देखो कोई मुझे बहुत रिस्पेक्ट भी करता है, कोई सोचते मैं सिक्स टाइम हूँ। देखो ये सिक्स तो मेरा भी है, इच्छा भी तो मेरा भी है। मेरा तो बॉयफ्रेंड अभी नहीं है, कोई नहीं है, पर शरीर का जो डिमांड वो तो सबका है। पर क्या है ना, ये भी नहीं होना चाहिए कि हर वक्त यही सोचना नहीं चाहिए ट्रांस मतलब ही सिक्स टॉय है, ये सोच थोड़ा नहीं होना चाहिए। आप क्या रिलेशन में है, सूजी भूमिक रिलेशन में है? नहीं अभी नहीं। आपका बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं कोई नहीं। पहले बहुत सारा था, बहुत सारे थे, एक नहीं थे, बहुत सारे थे। ओ माय गॉड। नहीं नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड मतलब चाहने वाला बोल सकते हो, पर मेरा जो प्यार बॉयफ्रेंड मतलब मेरा बॉयफ्रेंड मेरा मेरा अगर मेरा बहुत सारा थे, दो तीन तो आया, दो तीन तो आया। अच्छा पर आया फिर आप बहुत मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट में आप पोस्ट करते हैं कि पूजा के टाइम पे या कुछ ओकेशन के टाइम पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक साथ जाते हैं, वही बॉयफ्रेंड वही लोग चुपके से आपके पास भी आते हैं, मगर कभी आपको हाथ पकड़ के समाज के सामने से पैंडल दिखाने या कोई गिफ्ट वो समाज के सामने वो लाके नहीं देते या एक्सेप्ट नहीं करते, बट आप ये पोस्ट करते हैं। हाँ, ये सिर्फ ऑन नॉट ओनली मी, ये सिर्फ मेरे पास ही नहीं आते, हर ट्रांस के पास ही आते हैं, जाते मैसेज करते कॉफी पीने के लिए बोलते, घर बैठ के कॉफी पीते पिएंगे ये भी बोलते, पर ऑकेशन जिस टाइम में हम लोग किसी को ना किसी को पाना चाहते हैं। घर में बैठ के कॉफी पीना, आई डोंट नो, तुम्हें भी पता है? नहीं बोलो, तुम्हें भी पता है? नहीं बोलो, आप ऑन कैमरा हो प्लीज बोलो, तभी लोग मतलब जागेंगे। कॉफी पीने आते हैं कोई कोई तो आता है। अगर आप किसी को मैसेज करते हैं तो वो ये भी तो बोल सकते हैं कि मतलब मैं आपके साथ कॉफी पीने कॉफी पीना चाहता हूँ कॉफी शॉप में, वो ये क्यों बोलते हैं आपके घर में कोई है मैं आऊँ? मेरा बात घर में किस लिए आना चाहता है? मेरा बात वही है, मिलना है तो चलो सारे हम मिलो सबके सामने, चलो एक कॉफी शॉप में बैठो, नहीं तो दुर्गा पूजा के टाइम जैसे गर्लफ्रेंड को लेके घूमते हो बाइक में बिठा के किसी ये मेरा बात नहीं, मैं हर ट्रांस की इच्छा या हर ट्रांस की जो बात है वही मैं बोल रही हूँ सबके साथ है, तुम को भी पता है, यू नो वेरी वेल एवरीथिंग। तो क्या है ना कि मेरे एक बात अच्छी के सीखे वो भी है, घर में भी आना चाहिए बाहर भी जाना चाहिए, नॉट ओनली इनडोर, मगर घर में आना चाहिए। मगर जब आपके घर में आते हैं घर से निकल जाने के बाद आपको भूल जाते हैं सबको, हर ट्रांस को भी ज्यादा के ज्यादा ट्रांस को भूल तो जाते, क्योंकि देखो ये सबके ऊपर ही होता है, ये ट्रांसजेंडर लोगों का यही जिंदगी है, यही हकीकत है। अगर आप यही बोलना चाहते हैं कि सपने सपने ही रह जाते हैं, लकी जैसा उसका जो सपना होता है कभी रियल में नहीं होता है, अगर एक तो हो गया तो वो तो लकी बात है, मगर वो भी नहीं टिकते होंगे शायद, नहीं होता क्योंकि होता तो है एक साल, बिकॉज आज तो आज के जमाने में तो कितने हर कोई ऑपरेशन कर रहा है ट्रांस, मगर ऑपरेशन के बाद भी उसको क्या मांग में सिंदूर मिलने के लिए मिलता है या ये डिपेंड करता है, एक दो को मिलती है सबको नहीं। इंडस्ट्री में हम सब जानते हैं कास्टिंग काउच एक बहुत मतलब चर्चित शब्द है, तो सो दैट कास्टिंग काउच फीमेल के लिए या तो मेल के लिए, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी कास्टिंग काउच होता है ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? ऐसा कोई जगह ही नहीं है, ट्रांसजेंडर लोगों तो कोई सोचता ही नहीं है कि काउच हो सकता है, कुछ कास्टिंग काउच हो सकता है, कैरेक्टर जैसे कास्टिंग हो सकता है, तो कास्टिंग काउच की बात तो आती ही नहीं, वो तो बोलोगे तो हर रोज ही किसी ना किसी ट्रांस को पूछा जाता है कि तुम कितना बड़ा बनाया दिखाओ, अरे तुम मॉडलिंग करोगे, ये तो देखो मुझे ना कास्टिंग काउच मतलब मैं सपोर्ट नहीं करती, अगर मुझे कोई बोले कि तुमको मैं हीरोइन बनाऊंगी तुम मुझे अब मेरे पास आओ, तो मैं उसके पास मैं खुद ही जाऊंगी क्योंकि मुझे हीरोइन बनना है, अगर मुझे ना मिला तो उसके लिए मुझे तो वो तो मुझे छीन के नहीं लेके गया, मैं तो खुद ही शायद हर एक इंडस्ट्री में ऐसा एक इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री जहां पे कहीं रेप नहीं होता, अपने इच्छा से लोग जाते हैं, अपने इच्छा से जाते हैं, अगर मुझे तुम बोला बॉम्बे से कोई बड़ा डायरेक्टर मुझे अकाल फिर जाके वो मीटू का केस करते हैं फेम पाने के लिए, मेरे ख्याल से सूजी भूमिक की ऑन कैमरा बोल रहे हैं जितने भी मीटू का केस हो रहे हैं ये फेम पाने के लिए होता है, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री में तो मतलब रेप नहीं होता किसी का, वो तो अब जब हुआ था तब क्यों नहीं बोले, अभी तक बोल रहे हैं तब ऑन स्पॉट बोलना चाहिए। अभी हाल ही में देखो अगर हाल ही में एक अनुराग कश्यप को मतलब पायल घोष ने ऑन स्पॉट बोलना चाहिए, 10 साल बाद कुछ नहीं होता, अगर मेरा कुछ खराब लगे मेरा अंदर मेरा मेरा जो उसको क्या बोलते आत्म सम्मान है मेरा स्वाभिमान जो है मेरा कोई या पे हार्ट हूं मैं, तभी मुझे बोलना चाहिए मैं मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे हीरोइन बनना है तो ऐसे बनाओ नहीं तो नहीं बनाओ,
तब मैं कर ली सब जो कुछ करना है जब मेरा कोई टैलेंट नहीं है, उन्होंने मुझे मेरे पास और कुछ नहीं मिला उसके अलावा, तो कौन कौन डायरेक्टर तुमको हीरोइन बनेगा अगर तुमको कैमरा के सामने आता है खड़ा रहना ही आता नहीं? और एक चीज है कि मतलब वो अपने इच्छा से मतलब वो जानते थे कि मुझे काम पाने के लिए ये करना पड़ेगा, तो उसने भी तो शॉर्टकट यूज किया ना, शॉर्टकट से सीढ़ी मानते हैं ऊपर जाने का सीढ़ी। अगर आपको वो काम नहीं मिलता वो आके मीटू का केस कर देते कि आपने तो मेरे क्यों करते हैं मुझे पता नहीं, अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच है, पर अगर ये मीटू हिटू सीटू ये सब मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं, इसमें जो करना है उस टाइम करो। यशु जी अभी एक छोटा सा रैपिड से रैपिड फायर आपके साथ खेल लेते हैं, आपका फेवरेट एक्ट्रेस सुचित्रा सेन, सुप्रिया देवी, वैजयंती माला, नार्गिस? देखो दो तो अलग है, एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, आप इंडिविजुअली मतलब आप ओवरऑल सभी तो है मेरे लिए। देखो मैं तो पता नहीं ना, वो जो तुम जिन लोगों के नाम लेना, ये लोग एक एक जगह पे एक एक हीरा है। तो अगर तुम उन लोगों को सबसे पहले से सुचित्रा सेन, आप नंबर वन में सुचित्रा सेन को ही रखेंगे, राइट राइट। आपके फेवरेट एक्टर राज कपूर, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, उत्तम कुमार? उत्तम कुमार डेफिनेटली, और राजेश खन्ना है, दोनों ही उत्तम कुमार, राजेश खन्ना। ओके 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 ओके। वन नाइट स्टैंड या रिलेशनशिप? रिलेशन के लिए अभी तक मैंने नहीं सोचे, वन नाइट स्टैंड के लिए सोचे हैं, कभी कभी सोचते हैं इंडस्ट्री के अंदर से किसी के साथ प्यार करेंगे या फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से नॉर्मल पर्सन, कॉर्पोरेट गाय और ब्ला ब्ला, किसी हीरो को या जो मुझे सच में प्यार करेगा? मेरा सपना, मेरा मुझे ऐसा इंसान, अभी मैं ऐसे इंसान के मतलब तलाश में हूँ मैं, जो मेरा हाथ पकड़ के कहेगा सुजी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ ली, मैं तुम्हारा हाथ थाम लिया, तुमको जो करना है, तुमको जो जो रिस्क लेना है तुम ले लो। बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम कुछ देख रहे हैं, जो भी विश कर रहे हैं या सोचते हैं मन में, सुन ले सुजी का बात, आप चुपके से चुपके से आके ये ओपन इनविटेशन दे रहे हैं सबसे, वो भी आप उसके हाथ पकड़ सकते हैं शायद। फेवरेट हीरो रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, देवजीत, दुष्यंत गुप्त? रणबीर कपूर। ओके डेफिनेटली रणबीर कपूर। अच्छा बंगाल से? आबिर चट्टोपाध्याय। आबिर चट्टोपाध्याय सुजी भूमिक का फेवरेट एक्टर है, आबिर चट्टोपाध्याय। देव भी बहुत अच्छा है, देव बहुत डिप्लोमेट, देव गुस्सा ना हो जाए अगर देव की कोई फिल्म में आपको कास्ट नहीं। अगर अगर तुम बोलोगे जी तुम नॉट ओनली हीरो उसके साथ साथ तुम प्रेमिक भी, मतलब मेरे किसी को तुमको बहुत अच्छा लगेगा ये कौन है तुम, मतलब जिसको तुम मेरे क्रश बोलोगे तो आबिर चट्टोपाध्याय। आबिर चट्टोपाध्याय सुजी भूमिक का क्रश आबिर चट्टोपाध्याय। और एक्टर डेफिनेटली देव, आबिर चट्टोपाध्याय बहुत मतलब सुजी बहुत सेफ खेल रही है, वो सबको ही मतलब बोलते हैं बोल दिया बॉलीवुड में वहां पर भी ठीक है, वो बहुत दूर की बात है क्योंकि मैं बहुत दूर है मेरे सामने। अगर अगर तुमको कल कोई प्रोड्यूसर मिले बांग्ला सिनेमा का हीरोइन बनाना है चांस को और तुमको कास्टिंग में रणबीर कपूर देव आ गया, नहीं नहीं आप देखो 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 मेरा तो ये सोच होगा ना कि मुझे तुम्हारा हीरो एक्टर बोल दिया, जी को फेवरेट एक्टर देव जी जिशु हो गया, अभी को क्रश में भी ले लिया आपने, अभी मैं तो अभी तक लिया भी नहीं, सर्वाइव करना है मैं हम लोग जैसे लोगों को, थिएटर जिन लोग करते लोगों का बहुत है घर में। ऋतुपर्णा सेनगुप्त और श्रीरेखा मित्र? ऋतुपर्णा सेनगुप्त। अच्छा ओके, बिकॉज़ शी इज गॉडेस इन फिल्म इंडस्ट्री, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री आई थिंक। श्रीरेखा मित्र टॉलीवुड की बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस है, मेरे क्वेश्चन सुन लीजिए, श्रीरेखा मित्र टॉलीवुड की बहुत पॉपुलर एक एक्ट्रेस है, उसने हाल ही में एलिगेशन लगा है सीधा सीधा ऋतुपर्णा सेनगुप्त के ऊपर के उसने प्रशंसित चट्टोपाध्याय के साथ मिलके
श्रीलेखा मित्र का बहुत सारे फिल्म को छीन लिया है। श्रीलेखा मित्र टैलेंटेड एक्ट्रेस होने के बावजूद उनका करियर ग्राफ खराब हो गया ऋतुपर्णा के वजह से, बिकॉज ऋतुपर्णा सेनगुप्त तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड करते हैं इंडस्ट्री में, श्रीलेखा मित्र नहीं करते हैं। घर में भी तो होता है, इसको क्या कहते हैं, घरेलू जो होता है ना, भाई बहन सब एक साथ रहते हैं, तो वहां पे भी दो बहन दो भाई एक हो जाता है, तो उन लोग एक को साइड कर देता है जिसको पसंद नहीं है, ग्रुपिज्म कहां नहीं है। सो सुजी, बहुत सारे बात आज हमने किए आपके साथ, अभी बस लास्ट मोमेंट पे आ गए हैं। लास्ट सवाल आपसे ये है, एक दिन के लिए पूरी वर्ल्ड के पावर अगर आपको दिया जाता है, ऐसा कौन सा वो चीज होगा जिसको आप चेंज करना चाहोगे? भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, ये सबसे आगे हटना चाहिए, किसी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, जात पात की ना हो, जेंडर की ना हो, इकोनॉमिक जो भी हो, क्लास बोलो कि किसी भी नहीं, जो जैसे है वो वैसे ही रहना चाहिए, सबको सब मिलना चाहिए, सबको हर सुख मिलना चाहिए, सबको रोटी रोजी का जगह मिलना चाहिए, सबको रहने का छत चाहिए, छत मिलना चाहिए सबके लिए। सुजी ने दुआ मांगा सबके लिए। सुजी को अगर ये पावर दिया जाता है एक दिन के लिए समाज में किसी भी चीज को चेंज करने के लिए, सुजी भेदभाव दूर करना चाहती है, बहुत ही नोवेल थॉट है सबके लिए, सुजी सोच रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हम लोगों को भी ऐसा बनना है, सबको ऐसा बनना है कि सबके लिए सोचना चाहिए, खुद के लिए, सिर्फ खुद के लिए नहीं। तो थैंक यू सो मच सुजी, आपका इतना मतलब कीमती वक्त हम लोगों को देने के लिए, मेरे चैट शो को देने के लिए, आज मेरे एपिसोड 1 के फर्स्ट गेस्ट आप हैं, एंड बहुत सारे सो प्रिविलेज, थैंक यू, एंड बहुत सारे बहुत दिल से आपने बात की, बहुत सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपने बात की, जो आई होप कि सबको पसंद आएगा। एंड मेरे तरफ से यही मतलब हम प्रे करेंगे कि आप अभी तो आप बहुत फेमस हैं ही, आप इससे भी ज्यादा अच्छा अच्छा काम करें, और भी बहुत सारे फिल्में आपने कर, आप अभी सीरियल कर रहे हैं, हम सबको आपका फिल्म देखना है, आप बॉलीवुड में जाए, आपका हर ड्रीम पूरा हो, मेरे तरफ से, मेरे पूरे टीम के तरफ से, मेरे यूट्यूब चैनल रैनीज एंटरटेनमेंट के तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप ऐसे ही हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, आपका हर विश पूरा हो। थैंक यू, सो दैट हम लोग यही चाहेंगे, बहुत खुश रहिए आप, ऐसे ही आप ऐसे इंसान आप जैसे हैं अभी भी, 10 साल बाद आप और भी बड़ा हो ऐसे ही विश करेंगे, बट इंसान आप ऐसा ही रहिए। तुम भी दोनों बहुत अच्छे, बहुत बहुत आगे बढ़ो, और हम लोगों की जो दोस्ती है, हम चाहे ये भी बहुत दूर तक जाए, एक साथ बहुत काम करें, ये भी मेरी बहुत ख्वाहिश से बोलूंगी कि देखो इंडस्ट्री में ना ट्रांस या हम लोग जैसे डायरेक्टर लोग, डायरेक्टर की कमी है बहुत, देखो मेरे बारे में जो जिन लोग मेरे साथ काम करेगा तो एक सेम मेंटलिटी के लोग आना चाहिए, काम करना अच्छा होगा इसमें, बहुत लड़ाई भी बहुत आगे बढ़ेगा, लड़ाई अगर करना है तो अकेला अकेला लड़ाई नहीं होता, एक साथ लड़ाई। ऐसे ही बहुत सारे नेकेड ट्रूथ सुजी ने आज रिवील किए हैं, तो बहुत सारे बात सुजी के साथ आज हो गए हैं, तो आज का एपिसोड यहाँ पर ही हम खत्म करते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया एपिसोड या न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आपका जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में प्लीज कॉमेंट कीजिए, आपका जो सवाल है डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो प्लीज सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, एंड साथ में रहिए रैनीज एंटरटेनमेंट के साथ। नमस्ते, शब्बक है, गुड बाय, थैंक यू सुजी, थैंक यू सो मच।